हाय गाइस, तो ये व्लॉग होने वाला है ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। मैं फैमिली के साथ बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि कहीं ना कहीं जाना है, तो हम लोग अलीबाग जा रहे हैं किहिम बीच। तो ये पूरे जर्नी में मैं वो सब कवर करूंगा। ये शायद मेरा एक बीच वाला पहला व्लॉग होगा, तो देखते हैं कैसा क्या होने वाला है, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स गो। हमारी बिल्ली जो है तो वो घर पे नहीं थी जब हम लोग निकल रहे थे, तो उसको क्या क्या खाना देना है क्या नहीं देना है वो मम्मी फ़ोन पे जो हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्हें बता रहे हैं। तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ होटल में थोड़ा नाश्ता कर लिया और अभी जाएंगे, मतलब अभी बहुत करीब है अलीबाग के जहाँ पे हमें जाना है, और 40-50 किलोमीटर्स है, तो अभी निकलते हैं। तो गाइज फाइनली पहुंच गए अलीबाग। तो अलीबाग में हम लोग किहिम बीच के पास रुके हैं, तो अब तक मैं बीच नहीं गया, अभी रूम पे जाऊंगा, थोड़ा चेंज करेंगे और फिर बीच के तरफ जाएंगे। तो हमने बीच में नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो अभी बस कुछ नहीं, फ्रेश होना है और बस बीच पे जाके एंजॉय करना है। तो अभी रूम पे ही जा रहा हूँ। अभी खाना हो गया। एक्चुअली मैं जस्ट ट्रैवल करके आया था मुंबई से पुणे, और पुणे आने के बाद हम लोग तुरंत सुबह निकल आए यहाँ अलीबाग के लिए। अभी तो मुझे नींद भी एक्चुअली बहुत आ रही है, मैं जाके थोड़ी देर बस सो जाऊँगा। कल काफ़ी मज़ा आया, आज लेकिन पानी इतना अंदर तक है कि जा ही नहीं सकता। तो आज का प्लान ये बना है कि अभी मुंबई जाना है, अभी नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद मुंबई जाएंगे, जेटी के थ्रू मुंबई जाना है, वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया घूमना है। उसके अलावा मुंबई में कहाँ कहाँ घूमेंगे अब तक कुछ प्लान नहीं किया है, तो वहाँ पर घूम के लगभग शाम तक यहाँ पर रिटर्न आना है। उसके बाद यहाँ पे एक दिन का और एक हॉल्ट है, तो शाम को यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद सुबह निकल जाएंगे कल सुबह। तो मैं कह रहा था कि कभी ना कभी हमें भी ऐसा थोड़ा वक्त निकाल के नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत पीस मिलती है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आइडियाज़ एक्चुअली यहाँ से ही आते हैं कि जब हम लोग शांत बैठ के कुछ सोचते हैं तब।
बहुत मज़ा आ रहा है, बस यहाँ पे बैठा हूँ और आगे समुंदर है। तो अभी हम लोग निकले हैं मुंबई के लिए। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग ठहरे वो लोकेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब जो रिजॉर्ट है बहुत बीच के बहुत ही नज़दीक है, मतलब उसका जो गार्डन एरिया है वहाँ से बीच एक 10 मीटर पे ही है, तो ऐसा लोकेशन होना चाहिए तो काफ़ी मज़ा आता है। डे 3 आज हम लोग निकल रहे हैं पुणे के लिए, तो बीच रास्ते में काशीद बीच लगने वाला है, तो काशीद बीच जाएंगे और उसके बाद अगर बीच में कुछ लगता है तो वो देखेंगे और फिर बैक टू पुणे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9, अभी हम लोग निकल रहे हैं अलीबाग के लिए, अलीबाग पे नाश्ता करेंगे और फिर जाके काशीद बीच। तो गाइज अभी पहुँच गया हूँ काशीद बीच, ये बेस्ट बीच लगता है मतलब अलीबाग का, सबसे ज़्यादा क्लीन और मतलब अच्छा मुझे तो यही लगता है। और यहाँ पे हम लोग जब भी अलीबाग आते हैं, यहाँ पे आता ही हूँ, तो अगर आप अलीबाग आए हो और ये बीच विजिट नहीं किया है तो कर सकते हो, वीडियो फोटोग्राफी सबके लिए बेस्ट लोकेशन। अभी काशीद बीच से तो निकल रहे हैं, लेकिन एक बैड न्यूज़ है, जब मैं पानी में था मैंने जो पानी में फुटेजेस लिए, वो जो छोटा गोप्रो कैमरा था उसमें सब है, और वो कैमरा गलती से पानी में गिर गया और तभी ही वेव आई और पता नहीं अभी कहाँ पे चला गया, बहुत ढूंढा पानी में लेकिन मिल नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ का जो गार्ड है उससे बोला है कि अगर आपको दिख जाता है तो प्लीज़ मुझे दे देना, क्योंकि उसमें सब फुटेजेस है, तो अभी पता नहीं मिलेगा या नहीं, ढूंढ ढूंढ के तो परेशान हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं पुणे के लिए, तो लेट्स होप कि ही बस मिल जाए, क्योंकि उसमें सब अच्छे अच्छे फुटेजेस है और मिल गया तो अच्छा हो जाएगा, लेट्स सी अभी क्या होता है। तो गाइस फाइनली पहुंच गया पुणे और ट्रैफिक बहुत लगा, जैसे पुणे का ट्रैफिक होता है हाईवे तक फटाफट पहुंच गया, लेकिन पुणे में आने के बाद बहुत ट्रैफिक लगा। आई गेस ये मेरा पहला व्लॉग था जो मैंने प्रॉपर कैमरा जो लिया है व्लॉगिंग के लिए उससे किया है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आता है तो बस हमेशा की तरह ऐसे भी सपोर्ट करना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, ये चैनल व्लॉगिंग का है, इसके ऊपर मैं व्लॉग्स डालता रहूँगा, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बस ऐसे ही प्यार देते रहना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।